अच्छी अपसाइड दिख सकती है। मयूरेश जी, इस अर्निंग सीजन में आप एक बात तो कह सकते हैं, बहुत सारे पहलू थे इस अर्निंग सीजन के, अगर आप ओवरऑल देखें तो कॉस्ट प्रेशर्स थे, दूसरे अगर आप देखें कंपनियों पर मार्जिन्स काफी प्रेशर में थे, लेकिन एक बैंकों तक अगर आप सीमित रखें अपने आप को तो पीएसयू बैंक्स की एसेट क्वालिटी में एक सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट और क्रेडिट ग्रोथ, ये दो हाईलाइट्स रहे। आपने कैनरा बैंक के नंबर्स देखे, आपने एसबीआई के नंबर्स देखे, बीओबी के देखे, आप आज एसबीआई को शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से और बीओबी को शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से और मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से कैसे अप्रोच करेंगे? तो विजय, आई थिंक आउटस्टैंडिंग सेट ऑफ नंबर्स, जैसे मोटा भाई ने भी कहा, हर्षद ने कहा, आई थिंक जो सबसे अहम फिगर था एसबीआई के नतीजों में, आई थिंक वो वॉचलिस्ट है। अगर 6700 करोड़ से 4000 करोड़ पे वॉचलिस्ट आती है, डाउन ऑलमोस्ट 40% ऑफ, उम्मीद कर बैठे हैं कि जितनी भी आई थिंक एसेट क्वालिटी के प्रेशर से रिकग्नाइज हो चुके हैं और लोन ग्रोथ में जैसे सुधार देखने मिलेगा, आई थिंक दैट कैन बी सब्सटेंशियल। सेम फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा, आई थिंक जो नेट एनपीएस में फॉल है इट इज सब्सटेंशियल, और जो लोन ग्रोथ का ड्राइविंग फैक्टर वीरू जी शैल जी है वो है रिटेल, और रिटेल एडवांसेस पे अच्छा खासा फोकस है ये बैंकों का। दूसरा, आई थिंक इवन इफ अ रेट हाइक हैकम्स इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मुझे लगता है आई थिंक बैंकों को फायदा जरूर होता है क्योंकि निम स्प्रेड्स में इनकी इजाफा अच्छा खासा होता है, दे आर वेरी वेरी प्लेस्ड एट वेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आरबीआई पॉलिसी के लिए शायद बैंक निफ्टी, आपने जैसे अपनी कॉमेंट्री में कहा था, ये थोड़ा दबाव में रह सकता है, बट आई थिंक स्टेट बैंक शुड होल्ड आउट ऑन इट्स ओन क्योंकि इसके नंबर्स लाजवाब है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, आप कोई भी उठा के लीजिए, नंबर्स लाजवाब आए हैं। तो ये लगता है आई थिंक ये स्टॉक्स को एसबीआई हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो, जिनके पास है होल्ड करके रखिए। पैरामीटर्स, बिजनेस क्वालिटी एज वेल एज प्रोस्पेक्ट्स जो आगे दिख रहे हैं वो काफी शानदार दिख रहे हैं। चलिए मानस, इन दोनों स्टॉक्स को संक्षेप में बताइएगा कैसे अप्रोच करेंगे आप आज? आपने बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की, राइट? जी हां, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, दोनों। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा की जहां तक बात है इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहां पर स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है। फ्राइडे के सेशन में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन उसका मतलब रिवर्सल नहीं है। मेरा तो समझना है कि इस गिरावट पे बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करनी है, और जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे, अब 99 के स्टॉप लॉस से बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी कर सकते हैं। मेरा समझना है कि यहाँ पर जो अंडरटोन है वो काफी बुलिश बनाया, और जो ब्रेकआउट हमने भी कुछ दिन पहले देखा उसके टारगेट 120 रुपए तक के आते हैं, तो वहां तक की रैली आप बिल्कुल बैंक ऑफ बड़ौदा में देख सकते हैं। तो गिरावट पे खरीदारी करनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी फिलहाल के लिए ट्रेंड निगेटिव नहीं है, लेकिन हाई लेवल पे एक रेजिस्टेंस है 545 पे। मेरा समझना है कि अगर किसी के पास पोजिशन है तो बने रहिए 514 रुपए के स्टॉप लॉस से। फ्रेश खरीदारी तभी करनी है जब ये 545 के ऊपर निकले।